हेलो दोस्तों, मेरे विषय नहीं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, वीडियो में हम बात करें बी सी ई सी की जो रैंक कार्ड है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल, बायो टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के लिए आवेदन किए थे तो उनका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताएंगे कि जो उसका रैंक कार्ड जारी होगा फर्स्ट काउंसिल के लिए वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और दोस्तों ये जो पोस्ट है बी सी ई सी रैंक कार्ड 2018, आप हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं, और उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें हम बात करें जो रिजल्ट जारी हुआ है वो 19 जून 2018 को जारी हो चुका है दोस्तों, और इसका जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो 29 और 30 अप्रैल 2018 को उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका जो मेरिट लिस्ट रिजल्ट जो जारी हुआ था हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इसका जो अब रैंक कार्ड जारी होगा फर्स्ट काउंसिल के लिए उसके लिए हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है बी सी ई सी रैंक कार्ड 2018 पर, वो क्लिक करना है तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही इसका रैंक कार्ड स्टार्ट डाउनलोड होना जारी होगा, जो कि 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जैसे ऊपर दिया हुआ डाउनलोड रैंक कार्ड ऑफ डी सी ई सी ई 2018 पे, ऐसे ही आपको आपका बी सी ई सी का जो रैंक कार्ड है वो नीचे आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सेम ऐसे ही आपको लिंक मिलेंगे डाउनलोड रैंक कार्ड ऑफ, यहाँ पर डी सी ई सी लिखा हुआ है तो आपके उसमें जो बी सी का वो उस तरह से आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। पी एम के लिए आपने आवेदन किया था या जो एग्ज़ाम दिए थे पी एम डी के लिए या पी ई या पी पी ई के लिए आपने आवेदन किया था एग्ज़ाम जो दिए थे, तो उस पर ऐसे ही आपको क्लिक करना है तो आपके सामने सेम टू सेम ऐसे ही एक फॉर्मेट शो होगा। तो उसमें आपको रोल नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और शो रैंक कार्ड पर क्लिक कर देना है। ये डी सी ई सी के लिए है, तो आपका जो बी सी ई सी के लिए है तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर रहेगा आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करने का। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपनी जो रैंक कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों इसमें कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर हमने जो पेज है इसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप क्लिक करके जो पीडीएफ है वो भी चेक कर सकते हैं काउंसलिंग के शेड्यूल की। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।